हेलो इमरान पवार, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस क्रेटा को पहचानिए तो आप हेडलैम्प्स वगैरह देख के कहेंगे कि ये एसएक्स वेरिएंट है, क्योंकि एसएक्स में ही आपको ये ब्रॉड वाले डीआरएस मिलते हैं, ट्रायोबीम इसमें एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, उसके अलावा ग्रिल वगैरह तो खैर ये डिफरेंट हो ही जाती है। लेकिन साइड से भी अगर हम देखें तो प्रॉपर वही अपना एसएक्स ऑप्शनल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अलॉय व्हील्स वगैरह अगर आप देखेंगे, टायर्स वगैरह आप देखेंगे तो 17 इंच के आपको ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 215/60R17। ये आपको ऑटो फोल्डेबल वाले मिरर्स मिल जाते हैं। पीछे अगर हम आते हैं तो इसके आप देखेंगे टेल लाइट्स, तो टेल लाइट्स भी आपको वही एसएक्स वाली दिखेंगी। यहाँ पे प्रॉपर ये अपने जो ब्रॉड वाली आती है ना, वो वाली एलईडी आ जाती है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह इसमें लग रखे हैं और ये टिंट हो रखा है ग्लास का भी, आप कहें कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ब्लैक क्रेटा लग रही है। तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एसएक्स वेरिएंट भी नहीं है ना एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट है, ये क्रेटा का ई बेस वेरिएंट है डीजल में, जो कि तैयार कराए निक्कू भाई ने करोल बाग में। कितना कॉस्टिंग आती है अगर ई डीजल से हम जाते हैं एसएक्स की तरफ? 2 लाख प्लस आ जाती है। अभी इसको भाई एसएक्स वेरिएंट बनाने के लिए, क्योंकि अभी इस पे एसएक्स की बैजिंग भी चिपकने वाली है ना, वो भी आ चुकी है भाई। वो ओरिजिनल रहती है क्या हुंडई की? नहीं, वो हुंडई की नहीं होती है। अच्छा, जो भी काम आप इस गाड़ी में देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल हुंडई का ही है। तो प्राइस वाइज अगर हम बात करें भाई हर एक एसेसरी का, तो क्या क्या सबसे पहले तो एसेसरी आपने इसमें लगाई है जो ये बेस वेरिएंट से इतना ऊपर बनी है? जैसे सबसे पहले टॉप मॉडल हेडलाइट। अच्छा, ओरिजिनल है ये? ओरिजिनल हुंडई की। तो क्या कॉस्टिंग है भाई इनकी? 35,000 रुपये। और इसमें एक लाइट आती है जो सेकेंड हैंड पीस होता है, उसका कॉस्ट करता है मात्र 20,000 रुपये। अच्छा। लेकिन वो खुला हुआ पीस होता है, उसमें मॉइस्चर जाने के चांस होता है। डब्बा पैक कस्टमर के सामने डब्बा खोलूंगा, वो लाइट का रेट होगा 35,000 रुपये। और कनेक्शन कैसे होगा फिर इनका? कपलर टू कपलर ही होगा, कोई भी वायरिंग फ्लिप वगैरह जो हमारी गाड़ी में कराता है ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। और आपको कहाँ से रेंज होती है? हम हुंडई से। हुंडई से करते, तो MRP पे बेचते हो क्या? MRP पे ही बेचते हैं। तो 35,000 रुपये की दोनों अलग अलग डब्बे में आती होंगी? 17,500 कुछ रुपये एक डब्बे का ही मानते हैं। मतलब 35,000 रुपये खर्च करने, ऊपर कपलर वगैरह पे अपने को इस पे खर्च करने की जरूरत नहीं? नहीं, उसके बाद जो कैनवास जो लगता है ना, तो उसके लिए कम से कम 3,000 रुपये अलग से खर्चा होता है। तो 38,000 की पड़ेंगे ना ऐसे? तो ये बताना चाहिए ना बात, तो 38,000 रुपये की पूरी लगती है भाई ये। और फिर हाई बीम लो बीम ऐसा कुछ नहीं आएगा? फ्लिकर वगैरह कुछ नहीं होगा? और इसके बाद इसमें फोक लैंप ओरिजिनल हुंडई का, एयर स्कोप भी ओरिजिनल हुंडई का जेन्युइन। अच्छा, इसके अंदर हमने 45 वाट के एलईडी डाले हैं। और इसके बाद आउट ऑफ मार्केट में इसमें आते हैं तो ग्रिल का कॉस्ट है 5,500 रुपये। और इसमें वैरायटी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आने लग गई है ना? नहीं, अभी तो फिलहाल यही है, अभी इसमें नहीं आया ओरिजिनल टॉप मॉडल वाला। टर्बो की भी तो होती है? टर्बो वाली ब्लैक हाँ आती है वो भी। उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है? उसकी 3,000 रुपये। अभी अलॉय व्हील्स की मेन बात कर लेते हैं भाई, ये ओरिजिनल हुंडई की है ना? हाँ जी। तो ये देखिए भाई, इसमें बारकोड वगैरह प्रॉपर और जेके टायर के जो इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, मतलब जो टायर आते हैं वो उन्होंने डाले हैं। तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? एक्सचेंज करके जैसे कंपनी से जो टायर आता है 16 इंच का, और ये टायर और अलॉय व्हील ओरिजिनल लगा के वही 47,000 रुपये के करीब खर्चा है। विद टायर। और अगर ओनली अलॉय कोई देखना चाहे? 34,000 रुपये। 34,000 रुपये चारों और कैप के साथ। अच्छा, कई ऐसे होते हैं भाई जो एसएक्स वेरिएंट खरीदते हैं, हाँ। मतलब कंपनी से ही, हाँ। वो चाहे कि मैं उनको रिप्लेस करके डायमंड कटवा ले लूं, तो ऐसा हो जाता है? हो जाता है। कितने उसका क्या ऊपर देना पड़ेगा? उसमें लमसम सिल्वर वाला लाई बिल जो आता है 17 इंच का, हाँ। उसके अलावा उनको पे करना पड़ेगा 18,000 रुपये। क्रोम डोर हैंडल्स नहीं डाले भाई? नहीं भैया, का चॉइस नहीं था। वैसे है हुंडई ओरिजिनल से अवेलेबल? हाँ है अवेलेबल। तो इसमें क्या पूरा ये अलग होता है क्या, या इसके ऊपर कुछ चिपकता है? ऊपर ही चिपकता है। और ओरिजिनल हुंडई का एक ऐसे भी आता है अपने पास जो पूरा खुल के लगता है। अच्छा, बाकी इसमें देखो भाई एक और चीज इन्होंने जो लगाई है वो है ऑटो फोल्ड ORVMs, जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, लॉक अनलॉक पे भी काम करते हैं। एक बार बंद करना, तो जैसे हम लॉक करेंगे। इसमें पेडल लैंप्स भी चलता है क्या? नीचे इसमें पेडल लैंप्स भी आता है, तो देखो भाई रात में ज्यादा प्रॉपर दिखता है ये, तो इसमें पेडल लैंप्स का भी इन्होंने कर दिया भाई। इसमें कोई वो होती है क्या वायर कटिंग वगैरह? नहीं, इसका जो रिले अलग से डलता है, सारे वायरिंग अलग से बना होता है, इसमें कोई वायरिंग कटिंग नहीं। इसमें भाई देखो, अगर जैसे हुंडई के में तो क्या आता है, यहाँ पे आता है ये, और इसमें कटिंग आपको अलग से दिखती है। इसका ये ऐसा नहीं है इसका एक पैनल अलग से आ गया हो मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं, अगर चाहे जिसको अगर चाहे तो ऑर्डर कुछ दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तो पैनल भी टॉप मॉडल आ जाएगा जिसमें ये लगा रहेगा। और इसके बाद एक हम मजे की चीज, ये भी सिल्वर की है जो ओरिजिनल हुंडई का है। हाँ, ये भाई एस वेरिएंट तक हुंडई इनको ब्लैक देता है, तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा चेंज होता है, पार्ट पूरा चेंज होता है इसमें चिपका। बाकी भाई वो कीलेस एंट्री और वो कब लगा रहे हैं पुश स्टार्ट बटन? कीलेस और पुश स्टार्ट बटन वो भी आ गया है, लेकिन अभी लगाए नहीं, किसी का डिमांड नहीं है, जब डिमांड आएगा तो लगाएंगे। लग जाएगा? हाँ, लग जाएगा, पॉसिबल है वो। बाकी इंटरेस्टिंगली इसमें क्रूज कंट्रोल भी लगा है, और अगर आप स्टीरियो भी देखेंगे तो वो एसएक्स वाला जो रहता है ना लुक ऐसी है वैसे ही है एंड्रॉइड पीछे की तरफ और आते हैं भाई। बाकी मेन चीज भाई टेल लाइट जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये अलग से पता चल जाता है, इनके बिना ना कोई पहचान सकता है कि टॉप मॉडल नहीं है, लेकिन अब ये पूरा टॉप मॉडल लगने लग जाएगा, जिसको भी पता नहीं होगा कि इसमें भी ओरिजिनल ये डलने लग गई है। तो ये टेल लाइट्स की क्या कॉस्टिंग है भाई?
14,500 डब्बा दोनों की। हाँ दोनों की डब्बा पैक ओरिजिनल हुंडई। हाँ ओरिजिनल हुंडई। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, ये यूनिट कैसे रहती है, क्योंकि ये इस तरीके से है इनकी लाइट, तो ये पूरा ऐसे रहता है क्या पूरा कंप्लीट ये लाइट? नहीं ऐसे ही रहता है इसका लाइट यहाँ से और ये है। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, जैसे ये ब्लैक है तो ये भी ये पार्ट टेल लाइट का ही है ना, तो इसमें अगर कोई व्हाइट गाड़ी हो तो व्हाइट ही लेना पड़ेगा, कंपनी से ही आता है। अगर जिसकी सिल्वर गाड़ी हो, व्हाइट गाड़ी है, ब्लैक गाड़ी है, उसका लाइट ये लगाता है। हम जो सोचेंगे कि बेस मॉडल वाला इसका कवर उतार के इस पे लगा दे तो नहीं लगेगा। तो ऐसा अच्छा ये भी लफड़ा रहता है इसमें। अच्छा भाई कलर आपको मैच करना पड़ता है इसमें, तो कलर का आपको देखना पड़ेगा। टेल लाइट जैसे सेल्टोस में वो क्रोम से ये होता है पीछे के लिए, इसमें कलर मैच का होना चाहिए। बाकी अगर किसी की लाल गाड़ी हो फिर लाल मिल जाएगा तो लाल। अच्छा भाई सब स्टॉक में रहता है आपके पास? नहीं अगर लाल हो जैसे सिल्वर हो स्टॉक में, हमारे पास व्हाइट और ब्लैक ज्यादा रहता है क्योंकि ज्यादातर यही गाड़ी निकलती है व्हाइट और ब्लैक, तो ये दोनों स्टॉक में रहता है। बाकी अदरवाइज और कंपनी जैसे कलर रेड चाहिए, कोई भी कलर चाहिए, ब्लू चाहिए, तो उसके लिए पहले फोन करके। बाकी ये ब्लैक और व्हाइट ज्यादा चलता है, ये ज्यादा अवेलेबल रहता होगा। बाकी ये और एक बहुत चीज चल रही है भाई फैंसी सी आजकल, जो पूरा है अपना इसकी डिक्की लाइट पहले विदाउट वारंटी वाला आता था, अब इसकी एक साल की गारंटी है, अगर खराब होता है हैंड टू हैंड नया पीस चेंज करके देंगे। अच्छा ये वाला तो ये ऐसा है क्या जो चिपकाया या फिर हटके लगाए वो वाला लगा, हटके लगने वाला है। ये कितने का आता है? ये इसका कॉस्ट करेगा 6,000 रुपये वारंटी वाला का, 6,000 रुपये। बाकी इसमें मैटटेक से स्टाइल रिफ्लेक्टर से डाले हैं, जो आप इंडिकेटर पे भी जलते हैं, वैसे भी जलते हैं क्या ये? हाँ ऐसे नॉर्मल पे भी जलेगा, ब्रेक पे और पार्किंग पे, इंडिकेटर पे, तीनों चीज पे जलेगा। इनकी क्या कॉस्टिंग आती है? इसकी कॉस्टिंग पर जाती है 3,000 रुपये। बाकी ये जो एडवेंचर अगर क्रेटा का आप पैक लेते शोरूम से, उस टाइप का आपको अगर पीछे का गार्ड सा चाहिए हो तो ये भी ले सकते हैं आप, जिसपे 4 क्रेटा लिखा हुआ। भाई कितने देर में मिट जाएगा ये 4 क्रेटा वाला? तो अभी हटाना चाहे तो अभी हट जाएगा, स्टिकर होता है। अच्छा ना वैसे अपने आप कब मिलेगा? इतना जल्दी नहीं, स्टील पे है ना। और ये कितनी की कॉस्टिंग है इसकी? 6,500 का। तो ये बम्पर में छेद होके लगता है या कैसे? पेच लगता है, पेच लगता है। तो बम्पर में पेच लगता है। अच्छा भाई बाकी इसके अलावा इसमें कैमरा वगैरह भी इंस्टॉल किया गया है। बाकी इसमें पार्सल ट्रे भी आती है, पार्सल ट्रे इसमें इजीली ऐसी लग जाती है ना भाई? इजीली लग जाती है। इसमें कुछ ओरिजिनल हुंडई की है, पिलर्स वगैरह का कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। ये कितने की कॉस्टिंग आती है इसकी? पार्सल ट्रे 2,000 रुपये की। बाकी और क्या क्या इसमें बैक में कराया आपने? बैक में जैसे डिक्की मैट, बूट मैट, एक इन्फिनिटी का बूफर डाला हूँ और इसके बाद फिल्म लगाए हैं। हाय गाइस, तो क्या आप एक्साइटेड हैं इंडियन T20 लीग के लिए? मैं तो हूँ। और अभी मेरे को एक फैंटेसी ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है माई 11 सर्कल ऐप। इसमें आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज करते हुए 1 करोड़ तक का प्राइस जीत सकते हैं। और सबसे यूनिक फीचर इस ऐप का ये कि इसमें आप रियली चैंपियंस के साथ में खेल सकते हैं, जैसे दादा, रहाने और BBS लक्ष्मण के साथ। माई 11 सर्कल पे केवल लेजेंडरी क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह भी आ गए हैं। माई 11 सर्कल में खेलना बेहद ही आसान है, इनमें किसी भी खेलती हुई 2 टीम्स में से अपने 11 प्लेयर्स की टीम आप खुद बना सकते हैं। T20 इंडियन लीग कमिंग अप, जहाँ पे आप केवल 1 रुपए से 1 करोड़ तक का फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं। मेगा लीडर बोर्ड फर्स्ट प्राइज इज ₹2 करोड़, और अगर आप लक्ष्मण सर की टीम को हरा देते हैं तो आप जीत सकते हैं 5 गुना तक कैश। ये कितना औसम है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा ₹1,500 का वेलकम बोनस, और इस वीडियो के व्यूअर्स को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। यूजर स्टेप टू क्लिक द लिंक बिलो, और आपकी जो विनिंग्स है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो ये सिक्योर भी है। और यहाँ पर कुछ विनर्स हैं जो माई 11 सर्कल पे जीत कर बने हैं करोड़पति। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाकर डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप एंड मेक योर ओन टीम। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी अभी चलते भाई हुंडई क्रेटा के इंटीरियर के अंदर, इन्होंने इंटीरियर में क्या क्या करा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक स्टिचिंग इसमें की गई है, उसमें कुशनिंग भी किया हुआ है। अच्छा कुशनिंग भी करी है। बाकी अंदर जो होता है जो इसको हम कंफर्ट के लिए कुशनिंग करके बनाते हैं इसको, डोर, इसको डोर बोलते हैं। इसके लिए हमने इसमें बकेट सीट कवर लगाया है। भाई क्या क्वालिटी कैसी है इनकी बताओ? भैया बहुत प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, और एक इसकी जो है ना वारंटी लाइफ टाइम की है, क्रैक होने की और पापड़ी छिलने की। यार लाइफ टाइम कैसे हो सकती है भाई? यार भैया मैं बता देता, कोई भी गाड़ी अगर लेता है तो 5 से 7 साल लगता है गाड़ी। 5-7 साल की इसकी लाइफ है। ऐसा बोलना चाहिए ना 5 साल? अरे 5-7 साल से ज्यादा कौन एक सीट को? मार्केटिंग के लिए लाइफ टाइम? नहीं नहीं ऐसी कोई मार्केटिंग के लिए नहीं। अच्छा 5-7 साल की लाइफ है, गाड़ी चेंज कर देते हैं 5-7 साल में। 5-7 साल बोलो ना ऐसे फिर। 5-7 साल की वारंटी है इसकी, 5 साल मानो इसकी क्रैक होने की और पापड़ी छिलने की। अगर किसी ने किसी का शिकायत आया कि क्रैक हो गया पापड़ी, तो नया पीस लगा के देंगे सीट को। बाकी यार ये अगर डिजाइन आपको पसंद नहीं है तो डिजाइन तो कोई भी बन सकता है, कोई भी अपने पसंद का डिजाइन नेट से निकाल कर लाओ, जैसे भी डिजाइन वैसे बना के लगा दो, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। और इसमें स्टीयरिंग कवर जो हमने लगा जिगजैग सिलाई में, जो टॉप मॉडल में लगता है, इसमें इसके जिगजैग सिलाई के लिए वो निकलता है, स्टीयरिंग बाहर आता है। हां वैसे अगर आपको करवाएं तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसमें स्टीयरिंग निकलता है। और मेन चीज देख लो भाई, अपना इसमें क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करा है। मेन चीज ये है कि कंपनी से ना सारे फंक्शन इसमें हो के आता है, ECU में हो के आ रहा है। इस गाड़ी में नहीं, सेल्टोस में भी आता है, क्रेटा में भी आता है, सोनेट में भी आता है, बैनू में भी आता है।
ठीक है, तो इसमें पूरा चीज होके आता है, वो एक वायरिंग लगता है क्रूज कंट्रोल का, एक क्रूज कंट्रोल लगता है, तो ये ऑप्शनली चालू ये जो वायरिंग आप बता रहे हो क्रूज कंट्रोल की वायरिंग और जो ये क्रूज वाला ये पार्ट है ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल हुंडई का आता है, चाहे वो बिना केबल के वो आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो अब ये बढ़िया तरीके से काम करेगा इसके अंदर। हाँ बिल्कुल। तो भाई ये देख लो इसकी क्या कॉस्ट है, कितने रुपए में आप लगाते हो क्रूज कंट्रोल? हाँ। क्रूज कंट्रोल का कॉस्ट है 2000 रुपए, वायरिंग का कॉस्ट है 731 रुपए, तो 2730 रुपए की लगेगी। हाँ। अच्छा ऐसा भी है ना कि मतलब अगर किसी को ओनली क्रूज कंट्रोल लगवाना है अपनी क्रेटा में तो वो आ सकता है, या फिर आपके पास मोटा काम ही केवल होता है? नहीं, अगर किसी को क्रूज कंट्रोल लिखाई लगाना वो भी आ सकता है, छोटी मोटी एक्सेसरी के लिए भी। और भाई एक बात और बताओ, बड़ा सुनने में आता है कि करोल बाग वाले जैसे आप हो तो कैमरे पे कुछ दिखते हैं, ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से बात करते हैं, इनसे रियल में मिलो तो फुल एटीट्यूड और फुल एंट वगैरह में रहते हैं, ऐसा सीन है क्या? नहीं भैया, सबके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक आध बार होता है कि बंदा ज्यादा बिजी रहता है तो उसी में कोई याद आता है तो वो करे, तो उसके लिए उनको लगता है कि मेरे को ऐसा बोला गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि करोल बाग वाले ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। अच्छा भाई, बाकी सनग्लास होल्डर हुंडई का या क्या कॉस्टिंग चल रही है भाई अभी इसकी? भैया ओरिजिनल हुंडई के सामान जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है प्रॉपर ओरिजिनल हुंडई के सामान 5% डिस्काउंट। तो क्या पड़ गया फिर इसका? जैसे आप मान लो सनग्लास होल्डर का MRP है 4073 रुपए, इसमें 5% डिस्काउंट, सारे जैसे सारे हमारे से ओरिजिनल हुंडई का सामान लगाते हैं, टोटल बिल के बाद 5% डिस्काउंट उसमें। अच्छा। पहले MRP पे बिकता था, आप 5% डिस्काउंट ओरिजिनल हुंडई का। ये भाई क्रेटा ई जो है बहुत ज्यादा बिक्री है, ये 4-5 गाड़ी तो कल ली करी ना आपने मेरे ख्याल से? ये 6 गाड़ी क्रेटा था कल, 6 गाड़ी क्रेटा बता, तभी आपको ये सब हेल्प कर जाएंगी ये सारी वीडियो, इससे आपको पता चलेगा क्या आप मार्केट में प्राइस चल रहा है। बाकी ये देखो आप SX वेरिएंट जैसी लुक है और एंड्रॉइड चल रहा है और इन्होंने मतलब ये ऐसा चलाया जिसमें वीडियो वगैरह सारा कुछ चले, इसको आप यहाँ से म्यूट वगैरह भी कर सकते हैं, और जो इसका ये देखेंगे आप वॉइस कमांड वगैरह ये सारा कुछ आपको जो टॉप मॉडल में मिलता है ऐसा मिलता है। बाकी इसकी क्या कॉस्टिंग है भाई? इसकी कॉस्टिंग ऐसे डिजाइन में 16,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा। जो इनके गाड़ी में लगा वो 16,500 वाला लगा हुआ है, 16,500 वाला। हाँ। है। इसमें क्या मतलब ऐसा 2GB रैम है, 32GB इंटरनल है और DSP है। इनमें कोई कंपनी वगैरह होता है, ब्रांड वगैरह? हाइपरसोनिक आता है, स्मार्ट सोनिक आता है, अनप्लक आता है। अच्छा, वो सेम डिजाइन के साथ? हाँ, सेम डिजाइन के साथ यही कंपनी से। कितने दिन चल जाता है भाई ये ऐसा? एक साल की तो गारंटी है 20 इंच का। भाई सही है, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी कार को पूरा SX वाली लुक देने में तो आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा ये तो सब होके आता है, कंपनी से होके आता है। बाकी और क्या करा है भाई इसमें इंटीरियर में? का सोर्स लगाए ओरिजिनल टॉप मॉडल वाले। क्या स्पीकर कौन से डाले इसमें बेस मॉडल में? इसमें स्पीकर हम डाले हैं हिलिक्स का कंपोनेंट, हिलिक्स का कंपोनेंट, और वो भी है ना इन्फिनिटी की बेस ट्यूब, इनकुलाइजर इन्फिनिटी का और JBL का एम्पलीफायर सिस्टम है, बस एक बैक कैमरा और नॉर्मली डंपिंग की इस गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई, अब मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ इसका, इस तरीके का आपको बैक कैमरा दिखता है इसको, आप अपना वो भी ब्राइटनेस वगैरह सैचुरेशन वगैरह वो आप एडजस्ट इससे कर सकते हैं। एक इसमें हमने ट्विटर ओरिजिनल सोर्स लगाया हुंडई का जेनमन, जो टॉप मॉडल में लग के आता है, मतलब ये वाला डब्बा? हाँ, ये वाला लगाया है। हाँ, प्लास्टिक का पूरा डब्बा। अच्छा, क्योंकि बहुत जगह आप देखे होंगे कि कटिंग करके ट्विटर इस पर टांग देते हैं, एक कर देते हैं, तो हम ओरिजिनल ट्विटर इसी के अंदर लगाते हैं जो टॉप मॉडल वाला लुक है। अच्छा, और इसका डिब्बा कहाँ है फिर? वो फेंक दिया? हाँ, वो रख दिया, कस्टमर को दे दिया वो। अच्छा, तो मतलब आप इसमें इसके अंदर फिर कोई भी अपनी चॉइस का वो लगा लो? हाँ, कोई भी अपनी चॉइस का लगा सकते। तो ये डिब्बा में तो आता होगा ट्विटर जो हुंडई अपनी ऊपर वाले वेंड में बेच रही है? हाँ, उसमें आता है, जैसे बेस से ऊपर वाले मॉडल सब में आता है, लेकिन इस बेस मॉडल में नहीं आता है, यहाँ पर प्लेन होता है, तो कस्टमर का डिमांड था कि ट्विटर मुझे नहीं दिखना चाहिए अंदर हो, तो इसके लिए हम ट्विटर सोर्स लगाए हैं। तो अभी जो ये सारा टोटल अपना ये आपने काम बताया, इसका टोटल एग्जैक्ट क्या खर्चा है? 2,40,000 रुपए। बाकी ये इस ब्लैक क्रेटा के ओनर नाम बता दो भाई एक बार आपने। मैं कामेश शिवरे, मैं ग्वालियर के पास शुभरी का रहने वाला हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश से। हाँ। तो भाई आपने 2.5 लाख रुपए इस पे लगे, वैसे कितने की पड़ी है? 1190 की पड़ी भाई को ये। 12 लाख की थी, बस मेरा डिस्काउंट चल रहा है हमारे यहाँ तो 8,500 डिस्काउंट हो गया। अच्छा, 8 रुपए डिस्काउंट चल रहा है ग्वालियर मेला करके, है ना? तो 2.5 लाख रुपए आप इस पे लगाए जब आपने, तो आप दो मॉडल आप ले सकते थे भाई, एस तक पहुँच सकती थी आपकी। ये पेट्रोल है, डीजल है? डीजल। ये डीजल है तो आराम से ऐसे वेरिएंट आ जाता। तो ऐसा क्या रीजन है भाई 2.5 लाख रुपए आपने करोल बाग में खर्चने सही समझे? भैया आप देख तो रहे हो, काम एक नंबर खराब भैया ने पूरा सही दिन गाड़ी अपने हिसाब से करवानी थी हमको। हमारा रहता है कि गाड़ी बस अच्छी बने और दिखे शुपरी में कि हाँ हमारी गाड़ी में गाड़ी है, पूरा येलो से लेकर लाइट सब पूरा टॉप एक नंबर। भाई जब आपने SX से बनाई थी तो सनरूफ की कमी क्यों छोड़ दी? सनरूफ नहीं लगवानी भाई? सनरूफ का अभी नहीं है प्लान, थोड़ा बाद में देखेंगे। सनरूफ का आप बताओ भाई। सनरूफ का भैया का प्लान था कि थोड़ा पुराना हो जाए गाड़ी, उसके बाद लगवाएंगे। मुझे भी नया गाड़ी में करने में थोड़ा दिल जो है ना मानता नहीं कि नई गाड़ी को लोग काटो, सनरूफ लगाओ। लगाने के लिए लगा देंगे, पैनोरामिक लगा दोगे? हाँ, 1,30,000 रुपए का। अच्छा, और लीकेज वगैरह कितने दिन में आएगी उसमें? ये तो कंपनी से 3 साल की गारंटी आती है,
तीन साल तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी बेस मॉडल में भाई अब इन लोगों ने ना क्रेटा में एक तो ये जो पहले स्किड प्लेट आई करती थी सिल्वर आती थी, सिल्वर आती थी, ये ब्लैक कर दी, ब्लैक कर दी, कूल्ड ग्लव बॉक्स हटा दिया है ना। हाँ, वो टायर मॉनिटर प्रेशर, अरे टायर मॉनिटर का इनमें तो होगा इन अलॉय व्हील्स के साथ, फिर नहीं नहीं सेंसर नहीं मिला, पहले कंपनी से ही लग के आता था रिम में ही, तो हम वो लगाते थे अलॉय व्हील के साथ, कंपनी ने तीन ऑप्शन खत्म कर दिया जो आपको पता ही है। बाकी पूरा क्रेटा का भाई सारा सामान इसके बोनेट पे रख दिया है। अब बात करें इसकी हेडलाइट, ये तो फॉग लैंप है, आप देख लो MRP आपको, ये क्या चीज है, स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल, ORVM, ग्रिल ओरिजिनल, और अपना ये सारा सनग्लास होल्डर हो गया, ये हो गया, पूरा सारा कुछ इस पे रख दिया है, साथ में एंटीना ओरिजिनल वाइट, ब्लैक वाइट ओरिजिनल सब कुछ है भाई। ये देखो भाई पूरा आपके सामने रख दिया है, निकू भाई से कॉन्टेक्ट करो, जिसको भी ये बल्क में भी दे सकते हो क्या? हाँ, बल्क में भी दे देंगे। और भाई नंबर और अपना एड्रेस वगैरह बता दो। मैं नंबर 8826314088, टिक्कू का डेकोर, करोलबाग, 16/27, अब्दुल अजीज रोड। तो ये था भाई का एड्रेस, आपको कोई भी जानकारी इनसे चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।